दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सीता माता के अपहरण के बाद भगवान राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाने का कार्य शुरू किया। एक छोटी गिलहरी भी पुल बनाने में मदद कर रही थी। वह कंकड़ उठाकर बड़े पत्थरों के पास रखती। एक वानर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका कंकड़ बेकार है और उसे दूर रहने को कहा। गिलहरी दुखी होकर भगवान राम के पास गई। राम ने सेना को बताया कि गिलहरी का छोटा कंकड़ भी महत्वपूर्ण है। प्यार से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरने के बाद उसकी पीठ पर सफेद धारियां बन गईं, जो आज भी देखी जा सकती हैं। तो देखा आपने किस तरह से आप शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट्स पर डालकर सभी जगह से फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, पिंटरेस्ट हो, टिकटॉक, आप कमाई कर सकते हैं और ये घर बैठे आप बना सकते हैं एआई की मदद से। तो कैसे बनाना, चलिए आज के वीडियो में सीखेंगे। स्किप ना करें, इंप्लीमेंट करें और घर बैठे कमाई का जरिया स्टार्ट करें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको स्टोरी चाहिए। स्टोरी में जैसे मैंने यहाँ सर्च किया स्मॉल स्टोरीज फॉर रामायण दैट पीपुल डोंट नो, गूगल में मैंने सर्च किया और यहाँ पे मुझे मिल गया 16 इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये जो स्टोरी था स्टोरी ऑफ द स्क्वायरल इसको कॉपी कर लिया, पूरा कॉपी करके मैं चला गया चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे जाकर मैंने क्या किया इसको कन्वर्ट कर दिया हिंदी में। देखिए कन्वर्ट दिस इन हिंदी यहाँ पे मैंने दिया और वो उसने हिंदी में पूरा कन्वर्ट करके मैंने मुझे दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि इसे आप 100 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दें, हिंदी वाले को कन्वर्ट दिस इन 100 वर्ड्स। तो उसने पूरा 100 वर्ड में दे दिया और मुझे शॉर्ट्स का स्क्रिप्ट मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसके रिलेटेड इमेज चाहिए। तो चलिए देखते हैं इमेज कैसे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिव अस परफेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट्स सो दैट वी कैन डिपिक्ट दिस स्टोरी वाया इमेजेस। इमेज प्रॉम्प्ट्स शुड बी अल्ट्रा रियलिस्टिक एंड 4K। चलिए यहाँ से ले देते हैं, ये देखिए ये आपको अलग अलग इमेज प्रॉम्प्ट्स इसने दे दिए हैं। अब इमेज प्रॉम्प्ट्स को हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे आइडियोग्राम पे, आइडियोग्राम.ai। यहाँ से देखिए 7 इमेजेस आपके पास आ चुके हैं और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ऑटो कर दें मैजिक प्रॉम्प्ट 9:16 कर दें क्योंकि हम शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं और जनरेट कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये इमेज मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, डाउनलोड करके आप एक फोल्डर में रख लें। ठीक है, इसी तरह आप सारा मैं जनरेट कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों हमारा सारा इमेजेस तैयार हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखिए हमारा 7 इमेज प्रॉम्प्ट था। ये देखिए वहाँ पे पुल बनाया जा रहा है, जो गिलहरी है वो लेकर आ रहा है, जो बंदर से मजाक उड़ाते हैं राम और वो जाकर भगवान राम को कंप्लेन करता है, भगवान राम उसका इंपॉर्टेंस बताते हैं एक पत्थर का और उसको प्यार से सहलाते हैं तभी से वो धारियाँ उस पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये 7 इमेज हो गया। अब हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है तो हम जाएंगे, तो आप वीडियो बनाने के लिए gemno.ai पे आ जाएंगे, gemno.ai। यहाँ पे आप गूगल से लॉगिन कर लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज आप अपलोड कर सकते हैं और इमेज से आप वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला वीडियो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। एक बार मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ। ठीक है, वेबसाइट है gemno.ai और यहाँ पे आपको टाइम लगेगा सारे इमेज को कन्वर्ट करने में वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो कन्वर्ट हो चुका है इमेज और हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए इसको भी वहीं रख देते हैं। 1 ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको अपलोड करना है इमेज। मैं यहाँ पे इमेज 2 अपलोड कर देता हूँ और हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ से आप कैमरा मोशन देना चाहें दे सकते हैं, इफेक्ट्स आप कुछ यहाँ से देना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ से मैं कर दूंगा सबमिट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका
इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये तरीका है, एक बार मैं पूरा कन्वर्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ वीडियो बनाने के समय। तो दोस्तों आपने पूरा इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको एडिट करने की बारी है। तो हम लोग चले जाएंगे फिल्मोरा पे, फिल्मोरा पे आप इसको इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स। और यहाँ पे हमने वॉइस ओवर अभी नहीं जनरेट किया है, तो हम लोग वॉइस ओवर भी जनरेट कर लेंगे। सॉर्ट बाय टाइप, सॉर्ट नहीं, हमें ग्रुप बाय टाइप करना है। ओके, और ये हमारा MP4 फाइल है, इसको हम ले आते हैं ओपन, और ये हमारा MP4 फाइल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वॉइस ओवर भी लेना है। तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो स्टोरी था चैट GPT पे, उस पर चले जाएंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और चले जाएंगे हम लोग 11 Labs पे। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे, 11 Labs, और यहाँ पे आप इसको डाल देंगे। यहाँ से आप जो भी लेना चाहें, डीप स्टोरी मैं यही रहने देता हूँ, मैं करूँगा जनरेट स्पीच। सीता माता के अपहरण के बाद भगवान राम ने अपनी सेना के साथ, चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वापस यहाँ पे ले आऊँगा साउंड को। तो ये रहा, इसको मैं ले आता हूँ अपने फिल्मोरा में। ओके, और नंबर वाइज हम इसको नीचे ले आते हैं 1, और हमारा जो साउंड है उसको मैं नीचे ले आऊँगा। अब इसको थोड़ा सा आप जो भी स्पेसेस है साउंड में उसको आप हटा सकते हैं, साउंड में जो स्पेसेस है उसको आप ख़त्म कर दें, ताकि आपका साउंड जो है वो मैच कर जाए। ठीक है, और इसमें म्यूज़िक आप डालना चाहें तो आप म्यूज़िक भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये सारा एडिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और एक बार एडिटिंग हो जाए तो मैं फिर आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। चलिए एक बार मैं इसको प्ले करता हूँ, लेट्स सी। सीता माता के अपहरण के बाद भगवान राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाने का कार्य शुरू किया। एक छोटी गिलहरी भी पुल बनाने में मदद कर रही थी, वह कंकड़ उठाकर बड़े पत्थरों के पास रखती। एक वानर ने उसका मजाक, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीता माता के अपहरण के बाद भगवान राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाने का कार्य शुरू किया। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आपका फर्स्ट है, तो आप उस हिसाब से भी एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ और यहाँ पे कट कर दूंगा, ठीक है, ताकि जहाँ तक आपका वॉइस ओवर जो चल रहा है उस हिसाब से आप उसको एडिट कर पाए, है ना। अब यहाँ से चलेगा, एक छोटी गिलहरी भी पुल बनाने में मदद कर रही थी, वह कंकड़ उठाकर बड़े पत्थरों के पास रखती। देखिए यहाँ पे फिर आप गिलहरी वाला सीन डाल सकते हैं, ओके, और यहाँ पे कट लगा सकते हैं। अब इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, आगे बढ़ेंगे। प्रकृति, एक वानर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका कंकड़ बेकार है। चलिए यहाँ पे आपका जो वानर का सीन है उसको आप फिर से ला सकते हैं, यहाँ पे कट लगा दें। और उसे दूर रहने को कहा, कड़ बेकार है, और उसे दूर, बेकार है, और उसे दूर रहने को कहा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, गिलहरी दुखी होकर भगवान राम के पास गई। राम ने सेना को बताया कि गिलहरी का छोटा कंकड़ भी पास गई। राम ने सेना को बताया कि गिलहरी का छोटा कंकड़ भी महत्वपूर्ण है। प्यार से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरने के बाद उसकी पीठ पर सफेद धारियां बन गईं। चलिए मैंने पूरा एडिट कर लिया है, अब आपको मैं इसको दिखा देता हूं एक बार, और नीचे आप म्यूजिक दे सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए म्यूजिक लगाता हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ओके, और इसको मैं कम कर देता हूं थोड़ा। लेट्स हियर, बड़े पत्थरों के पास रखती, एक वानर ने उस, चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। एक्सपोर्ट, क्रिएट वीडियो, MP4। सीता माता के अपहरण के बाद भगवान राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाने का कार्य शुरू किया। एक छोटी गिलहरी भी पुल बनाने में मदद कर रही थी, वह कंकड़ उठाकर बड़े पत्थरों के पास रखती। एक वानर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका कंकड़ बेकार है, और उसे दूर रहने को कहा। गिलहरी दुखी होकर भगवान राम के पास गई। राम ने सेना को बताया कि गिलहरी का छोटा कंकड़ भी महत्वपूर्ण है। प्यार से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरने के बाद उसकी पीठ पर सफेद धारियां बन गईं, जो आज भी देखी जा सकती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने पूरा एनिमेशन क्रिएट कर दिया, शॉर्ट स्टोरी, और ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज आप क्रिएट करके अच्छा खासा
पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन। और मैंने सारा टूल्स आपको बता दिया कैसे करना, सारा सिखा दिया है, तो आज ही करें और मिस ना करें, इंप्लीमेंट करें। और घर बैठे अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा 2D एनिमेशन का, जी हाँ 2D एनिमेशन का 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप होता है, जो कि है 2D कार्टून एनिमेशन। उसमें सिखाया जाता है कैसे आप पूरा 2D कार्टून एनिमेशन सीखते हैं, कैसे मोर स्टोरीज बनाएंगे, राइम्स बनाएंगे, फोनिक्स बनाएंगे, सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है। 3 घंटे में लाइव होता है, जो कि 4 सितंबर को है 3 बजे। ये बटन है, इन्रॉल करेंगे, कैसे स्टोरी लेना, कैसे पासवर्ड करना, कैसे एडमिशन करना, सारा कुछ सिखाया जाता है 3 घंटे में लाइव होता है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज ही देखें, इन्रॉल करें और हम लोग मिलेंगे वर्कशॉप के अंदर। तो आई थिंक आज की वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा, इंप्लीमेंट करेंगे और घर बैठे अर्निंग की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, आप सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी अलग अलग तरीकों से। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, बंद मातम, धन्यवाद, बाय बाय।